ये जो त्यौहार है ये दीपों का त्यौहार है, और दीप वो जो रोशन हो, यानी हम अपनी जिंदगी को रोशन बनाएं। और दीप का यही मकसद होता है कि दीप एक खाली मिट्टी का होता है, अगर उसमें रोशनी ना हो तो सिर्फ मिट्टी है। और वैसे ही अगर हम इंसान जो भी हैं, हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जिस्म है, वो एक दीप की तरह है। अगर उसमें इंसानियत, उस मालिक की रहमत वो चमक रही है, तो फिर उसी दीप का महत्व भी होता है, उसकी इज्जत भी होती है, उसको सभी भाते भी है। इसलिए यह त्यौहार हमें यही संदेश व पैगाम देता है कि अपनी इंसानियत को उजागर करो। अगर तुम्हें इंसानियत होगी तो फिर तुम सही इंसान बनोगे, अगर इंसानियत नहीं तो फिर उसी दीप दिए की तरह है जिसमें रोशनी नहीं है, और ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए ये त्यौहार इंसानियत का, प्यार व मोहब्बत का पैगाम है, क्योंकि जीवन में दुख और सुख वो तो दोनों आते ही रहते हैं, लेकिन इंसानियत ये है कि जब दुख आए तभी संभल के चले, तभी खुद को संभाल के रखे, और तकलीफ में जो संभलता है वो ही इंसान होता है। आमतौर दुख में और सुख में हम अपनी इंसानियत को भूल जाते हैं, सुख में गलत राह पे चले जाते हैं और दुख में गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पर इंसानियत यह सिखाती है कि दुख में उसी मालिक को, इंसानियत को ना भूलें, और सुख में सभी को सुख दें। इसलिए ये त्यौहार श्री राम से वाबस्ता है, जिसको राज सिंहासन या बादशाही मिल रही थी, उसी वक्त दुख आया और वो वनवास चले गए, जंगल में भटकते रहे, लेकिन वो जंगल में भी ऐसे ही रहे जैसे राजा हो, अपनी इंसानियत को नहीं छोड़ा, और जब फिर राजा बने तभी भी किसी को दो सुख दिया। अगर ये सोच हमें आ जाए तो उसी में अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो दौर हकीकत में इंसानियत को याद करने का, उसको पाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाला दौर है, क्योंकि हर एक इंसान या तो मजबूरी में गलत कर रहे हैं, या अपनी मनमानी में, तकबर में सभी को पूरा कर रहा है। पर अगर जब खुदा या ईश्वर वो हमें कुछ बनाए और सभी को सुख दे और अपने ऊपर आ जाए, तो सही राह रास्ते ले, तो फिर हम इंसान जो हैं वो आगे कोई स्वर्ग या बेस्ट हो ना हो, लेकिन इस धरती को स्वर्ग बना लेंगे, सभी प्यार व मोहब्बत का अपना जीवन जिएंगे, और इसी प्यार भरे पैगाम को जो एक्सप्रेस न्यूज़ या अब तक चैनल ये सभी वहाँ हर एक तक पहुँचा रहा है, और उसके जो भी वर्कर्स हैं यहाँ संसद राम धाम रारकी साहब में पहुँच करके इस खुशियों में शामिल भी हुए हैं और खुशियों को सब तक पहुँचा रहे हैं, तो ऐसे प्यार भरे मौके भी उस ईश्वर से, उस खुदा से यही दुआ अरदास कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इंसानियत का बोलबाला हो, हर जगह इज्जत शान व मान हो, और हमारा मुल्क, हमारी कौम, हमारी ज़िंदगी, पूरी इंसानियत ऐसे ही दीपावली की तरह हमेशा जगमगाती रहे, हमेशा खुशियों से महकती रहे, हमेशा ही प्यार व मोहब्बत के दीप वो जलते रहे, और हमारे अंदर व बाहर की रोशनी सदा उसी मालिक की रहमत को पाए, और सभी में प्यार, सुकून और खुशियाँ बखेरे। यही उसी मालिक से इल्तजा, और यही उसी दीपावली पे सभी को इस संसद राम धाम से पैगाम के प्यार व मोहब्बत को फैलाएं, और अपनी नफरतों को जला करके अपनी खुशियों को सदा रोशन करें। इसी दुआ के साथ सभी को जय श्री राम, सचो सतराम।
और इंसानियत जिंदाबाद।